उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुक्रवार को हर तरफ प्रत्याशियों की जीत हार की चर्चाएं आम रही। कोई अखबार खंगाल रहा था तो कोई टीवी और मोबाइल में खोया रहा। शहर की सड़कों में रोजाना की तरह वाहन दौड़ रहे थे। इस बीच हल्द्वानी कोतवाली के सामने पापा पापा और बच्चे के रोने की तेज आवाज ने सबको हैरान कर दिया। जिसके भी कान में आवाज पड़ी वह चौंक पड़ा। दरअसल रोजी रोटी के लिए घूम घूम कर आजीविका चलाने वाले राम अवतार मिट्टी से बना बाजा बेच रहे थे। बाजे को बेचने और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह तरह तरह की आवाजें इतनी सहजता से निकाल रहे थे कि हर कोई अवाक रह गया। फिर चाहे पुलिसकर्मी हो या आम राहगीर, जिसके भी कान में मिट्टी के बाजे से निकली बच्चे के रोने की आवाजें पहुंची, वह इस बाजे को खरीदने से भी नहीं चूका। मिट्टी का बाजा बेच रहे राम अवतार ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से मिट्टी का बाजा बनाकर बेचने का काम करते हैं। वह बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं एक घर हल्द्वानी के जवाहर नगर में भी है। 10 से 20 रुपए कीमत वाले मिट्टी के बाजे को बेचकर वह किसी तरह रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजे के प्रति सबका ध्यान खींचने के लिए वह तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। यही वजह है कि हल्द्वानी की सड़कों पर हुनरमंद राम अवतार के बाजे की आवाज को जिसने भी सुना वह उसे खरीदने के लिए मजबूर हो गया। जो बच्चों को बाजा है इसमें मिट्टी की बनाया हमने, कुत्ता की आवाज, बिल्ली की आवाज, घोड़े की आवाज और शेर की, जैसे हमारे बच्चे रोता है पापा कैसा है तो हम ऐसे निकाल लेते साहब। हाँ अपने यहाँ मिट्टी बना कर अपने निकाल लेते, मेरे बच्चे बना के साथ। हाँ अपने साथ जैसे हमको 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए। कितना कमा लेते हैं उससे? हम कमा लेते हैं 800-900 कमा लेते हैं।